धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। कैसी हो तितली? गुड यार। धीरे धीरे रंग उतरेंगे गहरे तेरे चेहरे। तितली इस मंगलवार से रात 11 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। पता है जब सपना सच हो जाता है ना तो बहुत मजा आता है। मतलब आंखें बंद करो तो भी सपना और आंखें खोलो तो भी सपना। मैं भी इतना खुश हूँ ना अनु, इतना खुश हूँ कि मुझे लगता है कि कहीं मेरी खुद की नजर मेरी खुशी को ना लग जाए। थू थू थू, ऐसे कैसे नजर लग जाएगी? मेरे पति को मेरे होते हुए किसी की नजर नहीं लग सकती, आपकी खुद की भी नहीं। आए हाए। ये क्या कर रही हो तुम? जब सामान कीमती हो ना तो उसे बचाने के लिए एक ताला नहीं, घर में जितने भी ताले हैं सारे के सारे लगा देने चाहिए, तो ये नजर का ताला है। सच में? असल बात क्या है कि इतने साल अकेला रहा हूं ना अनु, कि जब मैंने कान्हा जी की तरफ हाथ बढ़ाया ना तो उन्होंने मेरे हाथ में इतना कुछ दे दिया कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। बस ये छोटी अनु इस घर में आ जाए फिर कंप्लीट फैमिली। सबसे हंसी की बात तो यह है कि जब पापा मुझे पहली बार घर में लेकर आए थे ना तो अंकुश भैया को मुझसे सिबलिंग राइवलरी हो गई थी। क्या? जब बच्चे एक दूसरे से चिढ़ने लगते हैं बचपन में, होता है ना? हाँ हाँ हाँ, समर पैदा हुआ था तब तोसु भी उसे बहुत चिढ़ता था, बहुत गुस्सा करता था, पर फिर कुछ दिनों बाद उसे समर से बहुत प्यार हो गया, जैसे अंकुश भैया मुझे करने लगे। पता है अंकुश भैया तब मेरे दोस्त बन गए, ब्रो बन गए, मेरी सारी शरारतें, सारी बदमाशियां, सारी सीक्रेट्स उन्हें पता थी। इनफैक्ट उन्हें तो ये भी पता है कि मैं जब पहली बार किसी लड़की के लिए फूल लेकर गया तो उस बेवकूफ की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने उसे एक घंटे तक पेप टॉक दिया, मैंने इतना समझाया उसे कि भाई लड़की है कोई बात नहीं, ना जा उसे फूल दे, बोल आई लाइक यू, निकल जा वहां से। लेकिन अनुज इतना नर्वस वो लड़की के पास गया, उसे फूल दिया, बोला कि गेट वेल सून और वहां से निकल गया, भाग गया वहां से। ओह माय गॉड, वी वर इनसेपरेबल। व्हाट अ टाइम, सीरियसली मैन, हम लोगों ने ना बहुत मजे किए हैं। यूनी वॉज सो मच फन, आई रियली मिस दोज टाइम्स, बट थैंक गॉड कि हम घर वापस आ गए। मैं बहुत खुश हूं, सीरियसली। खुश क्या, मैं तो बहुत 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 खुश हूं अनु। बचपन में अंकुश भैया और मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग कजन्स हैं। वो तो जब अंकुश भैया यूएस गए तब थोड़ी कजन वाली फीलिंग आने लगी। फिर क्या, जैसे हर परिवार को, हर रिश्ते को बांधे रखने के लिए एक डोर, एक सूत्र की जरूरत होती है ना, वो डोर मेरे पापा थे, उन्होंने हमारे परिवार को बांध के रखा हुआ था। उनके जाने के बाद परिवार बिखर गया। बिखरने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती, लाइफ अपने आप आपको दूर ले जाती है। परिवार को समेट के रखने में मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है। फिर एक दिन अचानक आपको रियलाइज होता है कि वो रिश्तेदार, वो रिश्ते नाते, वो भाई बहन जिनके साथ आपने पूरा पूरा जीवन, पूरा बचपन, इतनी बातें की, इतना खेले, इतने मजे किए, अचानक वो आपकी जिंदगी से बहुत दूर हो जाते हैं। 5-5 साल उनसे बात नहीं होती, कभी एक बार हो गई तो हो गई। अनु आप भैया और भाभी आप अगर हमारे साथ रहेंगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम? दोबारा ये सवाल किया ना तो क्या
इसका जवाब मेरा उड़ता हुआ बेला ना कर देगा आपको। बड़े अभागे होते हैं वो लोग जो परिवार को मिलकर खुश नहीं होते। इतना भी क्या अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो कि घर वापस नहीं आना? जल्दी आओ और मेरा ये सारा अधिक को इंडिया को ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, घर ही नहीं वापस आ रहे। तो अच्छा है ना, मुझे लग रहा था कि पता नहीं यहाँ पर इतना क्राउड देखेंगे, इतने लोग देखेंगे कि शॉक ना हो जाए। तो दैट्स गुड। इंडिया इज अ क्राउडेड कंट्री, इस घर को ही ले लो, इतने सारे लोग हैं इस घर में। अनुज से कब बात करोगे? डोंट गिव मी दीज लुक्स। बात तो करनी है ना। अभी तो मैं मिला हूँ अनुज से, अनुपमा से, अभी नहीं। तुम बात नहीं करोगे तो मुझे ही करनी पड़ेगी। पहला स्टेप अब मैं ही लूंगी। अच्छा बा, नानी की तबीयत अब कैसी है, घर कब आएंगे? आप कहें तो हम लोग आ जाएं। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उनकी तबीयत अच्छी है और हम कल ही वापस आ रहे हैं। जल्दी आइए, आप लोगों को देखने का बहुत मन कर रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों आज इतने चहक क्यों रहे हो? बाबूजी, दरअसल बात यह है कि हमारे पास आपके साथ शेयर करने के लिए ना एक बहुत बड़ा सरप्राइज। तो दो बाबूजी, वो फोन पे बताने वाला सरप्राइज नहीं है। बाप रे, तो तू जल्दी आना होगा। जल्दी आइए। अच्छा, बच्चों से तो बात होती रहती है, पर सब ठीक है ना वो लोग? अरे एकदम मजा में। काव्या, वनराज, वो भी ठीक है, पर मुझे लग रहा है तुम दोनों की याददाश्त बम्बई जाके खो गई है। अरे पग फेरे की रस्म भूल गई? लीजिए, कर लीजिए बात। अरे हम भूले नहीं है बा, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे कि आप जामनगर से लौटे तो हम आए। बस आ जाएंगे फौरन, अहमदाबाद लौट के मैं तुझे फोन करूंगी, तू आ जा। जी, पहुँचते ही फोन करना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण बेटा। अनुज और अनुपमा को खुश देख के बहुत अच्छा लगा। चलो, वो एक तो है जो खुश है, और भगवान उन दोनों को ऐसे ही खुश रखे। तुम सही कह रही थी, जब खुशी इतनी बड़ी है, बात इतनी बड़ी है, तो उसको बताने का ढंग, तरीका, तौर सब बड़ा होना चाहिए। ऐसे थोड़ी बता देंगे फोन पे कि बा बापूजी, हमारे भाई और भाभी यूएस से हमारे साथ रहने आए हैं। बराबर, बात चाहे छोटी हो या बड़ी हो या फिर उससे भी बड़ी हो, बड़ों के सामने बैठकर। बच्चे एक ही बेटी है ना उनकी? बेटी एक ही है, लेकिन एक छोटा भाई है जो भाभी के साथ रहता है। अब एज गैप इतना है कि माँ बेटे जैसा रिश्ता रखता है, बताओ, जैसे पुराने जमाने में होता था। हम सोचते हैं कि बस इस देश में रहने वालों को रिश्ते निभाने आते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हिंदुस्तानी चाहे देश में रहे चाहे विदेश में रहे, रिश्ते निभाने में एकदम माहिर होते हैं। अब देखे न, भाभी भी अपने भाई की माँ बन गई। बहुत सरस। हाँ, बहुत सरस, बहुत सरस, सरस छे। क्योंकि माँ बनना तो हर औरत के एनडीए में है नहीं। एनडीए नहीं, डीएनए। बात समझ में आई ना? ये इंग्लिश सही करने का समय है, मैं बोल रही हूं ना। लीजिए पेन। लेकिन बात तो सही है, कभी कभी ना मैं भाभी से बड़ा इंप्रेस हो जाता हूँ। उसका रीजन ये है कि मुझे लगता था कि वो अमेरिका में पली बड़ी हैं, तो रिश्ते नाते, तौर तरीके, फैमिली वैल्यूज को नहीं समझती होंगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, वो सब समझती हैं।